मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विशेष स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने देहरादून के गांधी पार्क में बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सहित कई विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, साथ ही गांधी पार्क में झाड़ू लगाकर पूरे प्रदेश में स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 12 अगस्त से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर साफ सफाई की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को इस अभियान से जुड़कर प्रदेश को स्वच्छ और स्वस्थ प्रदेश बनाने की अपील की। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, उसके तहत पूरे राज्य के अंदर स्वच्छता हो, ये हमारा संकल्प है। इसमें हमारी पंचायतें भी आगे आ रही है, बहुत सारे हमारे सामाजिक संगठन भी आगे आ रहे हैं। हल्द्वानी में एक अभिनव प्रयोग रेडी सेना के माध्यम से हुआ है और उन्होंने लोगों को इस दिशा में बहुत प्रेरित किया है, जिससे इंजर चार्ज भी बढ़ाया है, स्थानों पर भी बढ़ा है। ये केवल सरकारी कार्यक्रम न हो, ये कार्यक्रम सबसे अपील करूंगा कि ये जन जन का कार्यक्रम हो, सबकी सहभागिता हो। और क्योंकि हमारा राज्य पर्यटन के क्षेत्र में पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, इसलिए स्वच्छता हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार की प्राथमिकता से काम कर रही है। मैं सभी से कहूँगा कि सब लोग इस अभियान में जुड़े, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के नाम एक संदेश दिया है, एक पेड़ माँ के नाम। उसमें मैं ये अनुरोध करूंगा कि सभी लोग एक पेड़ जरूर इस मानसून के सीजन में रोपें।